टोयोटा ग्लोबल बाजार में नंबर एक कंपनी है। टोयोटा दुनिया में सबसे ज्यादा वाहन बनाती है और बिक्री में भी नंबर एक है। अब टोयोटा बाजार में एक ऐसा इंजन लेकर आई है जिसका इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री पर बड़ा असर पड़ सकता है। वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज है, लेकिन फिर भी युवा इन वाहनों का इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है। ऐसे में टोयोटा की ओर से लाया गया यह नया इंजन विकल्प इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए संकट हो सकता है। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाने और प्रदूषण कम करने की कोशिश कर रही है। केंद्र और राज्य सरकारों ने इसके लिए सब्सिडी की पेशकश भी की है, लेकिन फिर भी देश के युवा इन इलेक्ट्रिक वाहनों के पिकअप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कई चीजों के कारण इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने को तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि टोयोटा द्वारा पेश किया गया यह इंजन ऑटो सेक्टर में क्रांति ला सकता है। टोयोटा द्वारा विकसित हाइड्रोजन कम्बस्शन इंजन एक नया शोध है। ये हाइड्रोजन दहन इंजन कोई प्रदूषण नहीं करता है और अन्य चीजें नियमित पेट्रोल डीजल इंजन की तरह काम करती हैं, इसलिए टोयोटा द्वारा निर्मित हाइड्रोजन दहन इंजन सर्वश्रेष्ठ में से एक है। हाइड्रोजन एग्जॉस्ट फ्री और गैर विषाक्त है और इसे स्टोर करना और परिवहन करना भी बहुत आसान है। इस इंजन में ऊर्जा के लिए फ्यूल सेल का उपयोग किया जाता है। एक और खास बात यह है कि हाइड्रोजन कारों की मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा नहीं होती है। फॉलो अस फॉर मोर सच वीडियोस।